हाँ भाई, कैसे हो? सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। जैसा कि आज 23 अप्रैल 2020 का दिन है, आज विनायक क्लासेज के साथ मैं यो ऑनलाइन यूट्यूब क्लास का एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सब घर पे स्टे हो, सुरक्षित हो। जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासों की, जो बात शुरू कर रहे हैं आपसे, मैं कह सकता हूं कि इस समय घर पे आप सब लोग स्टे हो और आपकी जो तैयारी है इसको हम सब लोग एक दोबारा एक गति देने के लिए, आपकी तैयारी में एक स्पीड लगाने के लिए ये जो ऑनलाइन क्लासें हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि हम रोज आपको तीन चार पांच आपके वीडियो हम इसे YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगर किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो हम रोज आपसे Facebook Live पे 5 बजे हम आपसे चर्चा करते हैं। आप Facebook Live पर अपने जो डाउट है, अपनी जो प्रॉब्लम है, वो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं। इसके साथ ही जो आपको बताने जा रहा हूं, आज अपना महत्वपूर्ण जो विषय है करंट जीके का, इसको अपन यूं कहें समसामयिक घटना चक्र, जिसको एक दूसरी भाषा में अपन यूं भी कह सकते हैं कि हाल ही का घटनाक्रम, जिसको आज प्रत्येक कंपटीशन का एक मुख्य आधार बन चुका है। यूं कह सकते हैं कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी की हो, एसएससी की हो, आरपीएससी की हो, और मंत्रालय बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है, सब में करंट जीके का अलग महत्व होता है। आप सबको ये पता है, सब लोग आप इससे अच्छे से वाकिफ हो। तो हम चर्चा करेंगे आज फरवरी 2020 का जो घटनाचक्र है, फरवरी 2020 की जो समसामयिक की विभिन्न क्षेत्रों की जो घटनाएं हैं, इनको लेके हम आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो निश्चित रूप से कहीं कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट बॉक्स में, अपना जो फेसबुक लाइव प्रोग्राम होता है 5 बजे, उसमें अवश्य मुझे बताएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, फरवरी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, चर्चा करेंगे अभी हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय माननीय रामनाथ जी कोविंद का पुर्तगाल देश का दौरा रहा, और इस दौरे के दौरान माननीय राष्ट्रपति महोदय ने पुर्तगाल देश के साथ में भारत के खूब प्रकार के जो अपने विज्ञान का क्षेत्र है, अनुसंधान का क्षेत्र है, रक्षा का क्षेत्र है, ऐसे 7 जो महत्वपूर्ण जो समझौते किए, वो माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुर्तगाल के राष्ट्रपति डी रुबेला डूसो के साथ में जो समझौते किए, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो महत्वपूर्ण दौरा रहा, ये पुर्तगाल देश के साथ में रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुर्तगाल दौरा, इस दौरे के दौरान जो 7 महत्वपूर्ण जो फैसले किए गए, समझौते किए गए, ये माननीय पुर्तगाल के राष्ट्रपति डी रुबेला डिसो के साथ में समझौता किया गया। इसके साथ ही अपना जो अगला महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, उसको लेकर के हम बात करेंगे आपसे। INS शिवाजी, जो अपने मुंबई के लोनेवाला में स्थित है, INS शिवाजी, INS शिवाजी मैं कह सकता हूं कि अपने देश का जो सैन्य प्रशिक्षण जो आपका केंद्र है के नाम से प्रसिद्ध है, जहां खूब अपने देश के जवानों ने, खूब बड़े-बड़े अफसर लोगों ने वहां से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया है। लोनेवाला मुंबई में स्थित है, और INS शिवाजी को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा फरवरी 2020 में प्रेसिडेंट कलर्स का जो सम्मान होता है, एक प्रकार से अपने सैन्य
जो अकादमियां होती हैं, सैन्य जो अपनी जो टुकड़ियां हैं, अपने देश की जो सेनाएं हैं, इनका यह सर्वोच्च सम्मान है जिसकी शुरुआत 1951 में हुई थी और ये जो पुरस्कार फरवरी 2020 में INS शिवाजी को प्रदान किया गया माननीय प्रेसिडेंट महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा। प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार, इसके साथ ही बात करेंगे आपसे हम। अभी अभी जो अपने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की मंत्री हैं माननीय नितिन जी गडकरी द्वारा अपने महाराष्ट्र राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा का जो शुभारंभ किया गया है, वो आपके माननीय केंद्रीय जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन जी गडकरी द्वारा महाराष्ट्र में किया गया और यह शुभारंभ किया गया फरवरी 2020 में। हम दूसरी भाषा में यूं कह सकते हैं कि देश का इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा का शुभारंभ करने वाला, संचालन करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र राज्य है। तो इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र। शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? माननीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी द्वारा। आगे हम बात करेंगे, पहले बच्चों बात करेंगे हरियाणा सरकार की, जिससे आप सब लोग जानते हो हरियाणा की जो अपनी राजधानी है चंडीगढ़ है, और हरियाणा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल जी खट्टर और उप मुख्यमंत्री का नाम है दुष्यंत जी चौटाला। तो हरियाणा राज्य सरकार ने, आप सब लोगों को पता होगा, हरियाणा में सबसे ज्यादा मादक पदार्थों का उत्पादन होता है और सबसे ज्यादा जो मादक पदार्थों की तस्करी वो भी आपके हरियाणा राज्य में होती है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि हरियाणा राज्य सरकार द्वारा अभी फरवरी 2020 में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए या मादक पदार्थों पर रोक लगाने के लिए तकरीबन 65 करोड़ का एक समझौता किया गया है, जिस समझौते के तहत सल्फर जो डोग आते हैं इनको खरीदने की घोषणा की गई। सल्फर डोग इसके द्वारा हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा सल्फर डॉग को खरीदने की घोषणा आगे हम बात करेंगे। अभी जो अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था है जिसकी बात करेंगे, दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था का होने का IMF द्वारा जो घोषणा की गई है, आपको बता दें प्यारे बच्चों दुनिया की टॉप जो अर्थव्यवस्था वाला देश आप सबको पता है, जो इस समय कोरोना की भयंकर चपेट में है, अमेरिका है जहां तक करीबन 8 लाख कोरोना पॉजिटिव है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो IMF का जो वर्तमान मुख्यालय है वो अमेरिका के वॉशिंगटन में है, आप सबको पता है, और IMF प्रत्येक साल इस प्रकार के जो ये आंकड़े, इस प्रकार की जो ये जो अपने को इंडेक्स है वो जारी करता है। तो IMF द्वारा दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना फरवरी 2020 में। तो अपन कह सकते हैं IMF द्वारा जारी वर्ल्ड
इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट 2000 फरवरी 2020 के अनुसार भारत इंग्लैंड और फ्रांस को पीछे धकेलते हुए, यानी कि भारत का जो पहले स्थान था वो नौवां था, इनको पीछे धकेलते हुए भारत जो पांचवा स्थान था वो फ्रांस का था। फ्रांस का जो पीछे धकेलते हुए भारत कौन से स्थान पे काबिज हो गया, पांचवें पे। तो यूं कह सकते हैं भारत दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था वाला देश बना। अभी हम बात करेंगे दुनिया का टॉप अर्थव्यवस्था वाला देश आपका यूएसए है, अमेरिका है, फर्स्ट अर्थव्यवस्था वाला अमेरिका, और जिसकी अर्थव्यवस्था है 20.24 ट्रिलियन डॉलर। इसके साथ ही अपने जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है, आपको पता होना चाहिए, 2.72 ट्रिलियन। मैं प्यारे बच्चों आपको बताना चाहूंगा, सभी छात्रों को बताना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन है ये आपके कंपटीशन के इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना हो सके इनका आपको एक बार निश्चित रूप से आपको अध्ययन करना चाहिए, इनका आपको बार बार रिपीट करना चाहिए आप इनको। इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि करंट में अनिश्चितताएं होती हैं, वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन फरवरी माह का जो मैं जिक्र आपके बीच में करने जा रहा हूँ तकरीबन इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का जिक्र आपके बीच में करूंगा। इसके अलावा आपको जो और सारे अपनी जो अपना जो मैगजीन होता है, खूब सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक जो अपने गूगल पे आप सर्च करते हो, डेली आप करंट के खूब सारे डेटा आते हैं, इस प्रकार की जो आप मासिक पत्रिकाएं छपती हैं यहाँ से अपने अध्ययन को जारी रखें। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यह तकरीबन आने वाले साल भर में जो महत्वपूर्ण कॉम्पिटिशन होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूंगा आपसे, मैं अभी जो अपना केंद्र सरकार द्वारा अटल भूजल योजना का जो शुभारंभ किया गया था, अटल भूजल योजना, इस योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर के दिन, जिसको अपन दूसरी भाषा में कह सकते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस, जिसको हम सब लोग देश के पूर्व प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ये प्यारे बच्चों एक ही है कि देश में घटते भूजल को रोकना है। दूसरी भाषा में कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से भूजल अपनी प्रकृति में नीचे जा रहा है, धरती में नीचे जा रहा है, इसको रोकना है। सभी राज्यों को ये योजना लागू है और तकरीबन इसके लिए वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार के बीच में, वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार के बीच में इस समझौते को लेकर के एक प्रकार से 450 मिलियन डॉलर का जो ऋण है वो विश्व बैंक भारत सरकार को प्रदान करेगा। अटल भूजल योजना में 450 मिलियन डॉलर का जो ऋण है वो भारत सरकार को विश्व बैंक देगा। आपको पता होना चाहिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, अमेरिका के वॉशिंगटन में, और ये जो 450 मिलियन डॉलर है ये मदद इस योजना में आपका विश्व बैंक भारत सरकार की करेगा। आगे हम बात करेंगे, अभी अभी अपने गुजरात के गांधीनगर में आपका वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों का एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का जो मुख्य ध्येय था प्रवासी पक्षियों की जो वन्य प्रजातियां हैं आज वो एक प्रकार से खत्म होने की कगार में हैं, जिनका कुछ मात्रा अवशेष बचा है। तो इस वैश्विक सम्मेलन का उद्देश्य एक ही है
जिसमें तकरीबन दुनिया की 10 वन्य जीवों की प्रजातियों को इसमें वैश्विक वन्य जीव संरक्षण प्रदान करने का जो समझौता किया गया वो इसे वैश्विक समझौते में किया गया। इसमें बात करेंगे अपन। इस सम्मेलन का जो अध्यक्षता है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई और यह सम्मेलन फरवरी 2020 में गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुआ। इसमें बात करेंगे 13वां कोप सम्मेलन, 13वां कोप सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में, जिसको अपन कह सकते हैं वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों का वैश्विक सम्मेलन, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों का वैश्विक सम्मेलन गुजरात की गांधीनगर में संपन्न हुआ फरवरी 2020 में। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा इस सम्मेलन में, इस वैश्विक सम्मेलन में 10 वन्य जीवों की प्रजातियों को वैश्विक संरक्षण देने का समझौता किया गया, जिसमें 10 में भारत की 3 वन्य जीवों की प्रजातियां हैं। इसमें मुख्य रूप से मैं आपको नाम बताऊंगा, आपका एशियाई हाथी, पश्चिम बंगाल का जो आपको खमनोर पक्षी के नाम से आते हैं जिसको आप फ्लोरिकन बर्ड के नाम से भी जानते हैं ये, और राजस्थान का गोडाउन। इन 3 वन्य जीवों की प्रजातियों को इस वैश्विक समझौते में संरक्षण प्रदान करने का समझौता किया गया, समझौते में शामिल किया गया। दूसरी भाषा में यूं कह सकता हूं। अब आगे हम बात करेंगे आपसे, इसमें मैं एक बार आपको नाम दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एशियाई हाथी, खमनोर पक्षी, यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, और गोडावण, यह अपने राजस्थान में पाया जाता है, जो वर्तमान में लुप्त होने की स्थिति में, लुप्त होने की कगार पर। आगे हम आपसे बात करेंगे पहले बच्चों, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अभी फरवरी 2020 में आपके स्टॉकहोम स्वीडन का जो आपका स्टॉकहोम है वहां पर एक वैश्विक सड़क सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो आपके भारत में होती हैं, और इसका एक आंकड़ा है कि तकरीबन प्रतिदिन पूरी दुनिया में 3700 लोगों की इसमें जाने जाती है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये सम्मेलन आपके स्टॉकहोम में आयोजित हुआ। वैश्विक सड़क सुरक्षा सम्मेलन, स्टॉकहोम इसके लिए मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अभी अपने केंद्र सरकार का जो शीतकालीन जो सत्र था, इस सत्र में आपकी मोटर वाहन नीति जो 1988 थी उसमें भी परिवर्तन किया गया है, और नई मोटर वाहन नीति 2019 का को मंजूरी दी गई। मोटर वाहन नीति, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मोटर वाहन नीति में दुर्घटना के 1 घंटे को गोल्डन आवर का घोषित किया गया। इसके साथ ही इसमें पीड़ित व्यक्ति को कंप्लीट रूप से सरकार द्वारा कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा,
जब तक उनकी फैमिली या उनके परिवार का सदस्य पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आता हो। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, तकरीबन आप लिख सकते हो कि अपन जो सड़क सुरक्षा सम्मेलन की बात कर रहे हैं, ये स्टॉकहोम में आयोजित हुआ और फरवरी 2020 में, और इसका जो इसके आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा जो दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं वाला अव्वल देश है वो भारत है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सड़क दुर्घटनाओं में दुनिया का अव्वल देश भारत है। अव्वल देश भारत। इसके साथ ही आगे हमसे बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक की बात करेंगे, इसके आधिकारिक इसका जो मोमेंटो था, आधिकारिक जो इसका वर्ड था, इसको लेकर हम आपसे बात करेंगे। टोक्यो ओलंपिक के 2020 जुलाई अगस्त के माह में संपन्न होना था, और आप सबको बताया वर्तमान में टूर्नामेंट दुनिया का खेलों का सबसे बड़ा टूर्नामेंट तकरीबन 124 साल के इतिहास में पहली बार स्थगित हुआ है। यूं कह सकते हैं कि ऐसे समय में स्थगित होने का जो समय है, यह नोवेल कोविड-19 जो आपका वायरस है, इसके कारण इसकी जो तमाम गतिविधियां थी, तमाम जो इसकी जो शुभारंभ करने की जो योजनाएं चल रही थी, इस पर जापान की राष्ट्रपति द्वारा इसको स्थगित कर दिया गया, और तकरीबन यह ओलंपिक एक साल बाद में होने को लेकर के अभी इसमें चर्चा चल रही है। और ये भी आपको जानकारी बता दूं कि जब तक कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं आएगा तब तक ये टूर्नामेंट एक बार स्थगित है। तो इसके लिए जो आधिकारिक इसका जो मोमेंटो था टोक्यो ओलंपिक का, वो था खेलों में भावना। अपन दूसरी भाषा में इसको यूं समझे कि खेलों में किसी जाति धर्म संप्रदाय का इसमें स्थान नहीं है, किसी भी देश का अलग से स्थान नहीं है, सब एक है। खेलों में भावना जरूरी है, खेलों की भावना जरूरी है, इसको अपन दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं अनटाइड बाई इमोटेशन। खेलों में भावना जरूरी है, ये इसका आधिकारिक आदर्श वाक्य है, मोटो है। पहले बच्चों टोक्यो ओलंपिक हो गया, चलो आगे चलते हैं ओलंपिक। और इसका जो आदर्श वाक्य है खेलों में भावना। आगे हम आपसे बात करेंगे, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो रहेगा, अभी जो एक सर्वे किया गया है, ये सर्वे किया गया है दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रदूषित जो देश है, उन प्रदूषित देशों में अपने भारत का स्थान आपको पता है पहले नंबर पे आता है, क्योंकि ऐसी गतिविधियों में हम सब लोग अव्वल रहते हैं। हालांकि यहाँ स्वच्छ भारत अभियान भी 2014 से चल रहा है, लेकिन उसके उपरांत भी अभी हम इसको कह सकते हैं स्वच्छता का जो पैमाना है उसमें काफी पीछे है। और एक आंकड़ा और है जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया के तकरीबन जो 90% जो शहर है, 90% शहर सिर्फ दो देशों में है, चीन और भारत में। और भारत की अगर बात की जाए तो आपका उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद आपका भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, जो अपनी राजधानी दिल्ली के नजदीक है। और ये भी मुझे एक प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली के नजदीक है, और इसमें जितनी ज्यादा वायु जो प्रदूषण है उसकी सबसे ज्यादा जो स्थिति है वो खराब आपके गाजियाबाद में है, वायु प्रदूषण। तो एक आपका आंकड़ा है उसमें मैं आपको बताऊंगा, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक 2020 की जो रिपोर्ट फरवरी में आई, इसमें दुनिया का सबसे जो प्रदूषित शहर कौन सा है, भारत,
सबसे प्रदूषित शहर, प्रदूषित सॉरी देश भारत, और देश का सबसे प्रदूषित जो शहर उसके लिए बात की जाए तो है आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। इसके अलावा प्यारे बच्चों बात करेंगे आपसे अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी अपने फरवरी 2020 में दिल्ली में दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक जो एक सम्मेलन है उसका आयोजन भी किया गया, और इस सम्मेलन में जो अध्यक्षता की वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, जिनमें दुनिया के तकरीबन 130 देशों ने भाग लिया, और इससे विश्व न्यायिक सम्मेलन में जो अपने मुख्य भूमिका माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो अपने मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद बोबड़े जी द्वारा निभाई गई, और तकरीबन इसका जो लोगो रहा इसका जो वो रहा जिसमें आपको जानकारी और दूंगा, इसमें तकरीबन 1500 एक्ट प्रचलित जो कानून बने हुए थे उनको भी समाप्त किया गया, ये आपको जानकारी बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी 2020 में हमारे देश में 1500 एक्ट प्रचलित कानून बने हुए थे जिनका अभी आज तक कोई उपयोग ही नहीं हुआ, उनको भी समाप्त कर दिया गया। इसके लिए साथ ही आपको बताना चाहूंगा ये जो सम्मेलन था इसका जो शुभंकर इसका जो विषय था सब्जेक्ट का टाइटल था न्यायपालिकाओं और बदलती दुनिया, न्यायपालिकाओं की भूमिका बदलती दुनिया, जो 21वीं सदी की अपन बात कर रहे हैं, ये इस सम्मेलन का मुख्य विषय था जो आपके फरवरी 2020 में 20 को दिल्ली में संपन्न हुआ। विश्व न्यायिक सम्मेलन फरवरी 2020 दिल्ली में। इसके साथ ही आगे बात करेंगे आज का जो अपना अंतिम क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे, तो आज का जो अंतिम क्वेश्चन अपना है वो है इसमें फरवरी 2020 में जो अपना आपका बिहार राज्य है जिसने जातिगत जनगणना को मंजूरी दी है, यूं कह सकते हैं कि 2021 की जो जनगणना होगी वो देश का बिहार देश का पहला राज्य है जिसने जातिगत जनगणना को मंजूरी दी है, मतलब उसमें अलग कैटेगरी वाइज जो अपने जातियां हैं उनमें उनकी जनगणना की जाएगी, ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य। और आपको पता होना चाहिए बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी हैं जो जेडीयू पार्टी के हैं और जो भाजपा और जेडीयू का गठबंधन है, देश की देश में जातिगत जनगणना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बिहार जिसने इसको मंजूरी दी है। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम हमें एक बार स्टॉप करते हैं, एक बार समाप्त करते हैं, कल आपसे हम फिर जो आपका फरवरी माह है उसमें जो महत्वपूर्ण घटना चक्र है उसको लेकर के हम आपके बीच में चर्चा को आएंगे। आप निश्चित रूप से ये जो आपका जो आज का मैंने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जानकारी दी या आपकी परीक्षाओं में आने वाले एक साल की जो परीक्षाएं हैं निश्चित रूप से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में ये साबित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।